दोस्तों केवल वर्ल्ड की बात नहीं है, आज इंडिया में भी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट जबरदस्त पॉपुलर हो रहा है। अपने बोल्ड स्टाइलिश लुक, एडवांस फीचर्स, कनेक्टेड फीचर्स के कारण से। और इसी सीरीज में हुंडई द्वारा एक लेटेस्ट गाड़ी लॉन्च की जाने वाली है और इस एसयूवी का नाम होने वाला है बेयोन, जो बहुत ही जबरदस्त लुक और उन फीचर्स के साथ आने वाली है जिसमें कि इसकी सिस्टर कंपनी किया की गाड़ियां आती हैं, जैसे कि सेल्टोस है या सोनेट है। तो अब सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है गाड़ी के एक्सटीरियर पर भी, इंटीरियर पर भी, साथ ही उसके एडवांस फीचर्स पर भी। और आप देखिए, आप इसका सबसे पहले फ्रंट व्यू यहाँ पर कीजिए तो इसमें DRLs को हुड के नीचे दिया गया है। एरो शेप सी पिलर एसयूवी के साइड प्रोफाइल को जबरदस्त लुक देते हैं। इसके अलावा LED लाइट्स का इसमें जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है जो इसे बिल्कुल एडवांस मॉडर्न लुक देते हैं। साइड प्रोफाइल भी आप यहां पर देखिए। और इसके अलावा इसमें जो बेस्ट इन फीचर सेगमेंट फर्स्ट आपको मिलने वाले हैं, आप इसे कंपेयर करिए वेन्यू से या न्यू क्रेटा से, आप इसे कंपेयर कीजिए सोनेट से या सेल्टोस से, आपको उन गाड़ियों से ये 21 नज़र आने वाली है, 19 कहीं से भी नज़र नहीं आएगी। तो पूरी तरह से हाईटेक प्लेटफार्म पर इसे डेवलप किया गया है और इसमें एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसके अलावा LED में एम्बियंट लाइटिंग एसयूवी के केबिन को और भी जबरदस्त आकर्षक बना देते हैं। और अन्य फीचर्स के तौर पर इसमें लेन फॉलोइंग असिस्ट मिलता है यानी LFA, और इसके अलावा फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट यानी कि FCA एडवांस फीचर्स में ऑल कनेक्टेड फीचर्स आपको मिलते हैं हुंडई द्वारा, जो दिए जाते हैं अपनी वेन्यू के अंदर या क्रेटा के अंदर या उसकी सिस्टर कंपनी किया सोनेट के अंदर। और इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स सभी मिलते हैं इस एसयूवी में। 3 कलर्स में आपको ये गाड़ी मिलने वाली है जिसमें ब्लैक, डार्क लाइट ग्रे और डार्क ग्रे शामिल है। तो काफ़ी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये गाड़ी पेश की जा रही है। और इसके इंजन के बारे में भी आपको बता देते हैं, तो इस एसयूवी में उसी इंजन का प्रयोग किया गया है जो हुंडई अपनी i20 में देखती है। और इसमें 1 लीटर की क्षमता का TGDI इंजन लिया गया है जो 100 PS से लेकर 120 PS की पावर जनरेट करेगा। और 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 7 स्पीड का ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन यानी DCT आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। 3 ड्राइविंग मोड्स होंगे, इको, नॉर्मल और इसके अलावा स्पोर्ट्स मोड, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उन्हें यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है जिसकी वजह से गाड़ी लॉन्च होते ही पॉपुलर होने वाली है। अन्य क्या फीचर्स मिलते हैं आपको आज की वीडियो में शॉर्ट में हम यहाँ शेयर करते हैं। और दोस्तों क्या आप ये गाड़ी परचेज करना चाहेंगे, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और इसी तरह की लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। तो बताते हैं और क्या एडवांस फीचर्स ऑल न्यू हुंडई गाड़ी में आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये गाड़ी हुंडई की सबसे किफ़ायती सब कॉम्पैक्ट एसयूवी होने वाली है, यानी प्राइस लेवल पर भी काफ़ी बेनिफिट आपका होने वाला है। और सबसे बड़ी बात इसके साथ एक यह भी है कि एशिया में ये कंपनी की एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट एसयूवी हो सकती है। इस गाड़ी का साइज़ हुंडई कोना इलेक्ट्रिक के जैसा है, लेकिन अपने डिज़ाइन के चलते ये देखने में कोना से अधिक बड़ी लगती है। लेकिन प्राइस रेंज के लिए आप ना घबराएं, प्राइस रेंज बहुत ही अफोर्डेबल होने वाला है। और बिल्कुल न्यू प्लेटफार्म पर ये गाड़ी डिज़ाइन की गई है जिससे देखने में अत्याधुनिक लगती है, जो आप इस वीडियो में देखकर खुद भी समझ रहे होंगे। और इसमें जिस स्टाइल सेगमेंट का इस्तेमाल किया गया है उससे ये काफ़ी प्रीमियम टाइप की गाड़ी लगती है। और इस गाड़ी में 48 वोल्ट का हाइब्रिड इंजन भी मिलने वाला है, यानी बहुत ही सुपर स्टाइलिश के साथ में सुपर एडवांस गाड़ी भी होने वाली है, पावरफुल होने वाली है और बोल्ड स्टाइलिश लुक तो होगा ही। इसके अलावा क्या क्या आपको इसमें, और केवल ये ही नहीं दोस्तों, इसमें काफ़ी कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं जिनमें फर्स्ट है 48 वोल्ट का हाइब्रिड इंजन। और कार में हुंडई का पॉपुलर कैफा का 1.0 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन मिलेगा जिसकी पावर हमने आपको बताई है 100 BHP से 120 BHP पावर ऑप्शंस आपको मिलेगा। और 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 7 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलने वाला है। और अगर आप इसके डिज़ाइन एलिमेंट की बात करें तो इसमें स्प्लिट LED हेडलाइट सेटअप है और कार के बम्पर में LED हेडलाइट्स और LED RLs इसको बहुत ही ज़बरदस्त लुक देते हैं। एक न्यू टाइप का एयर इनटेक इसका डिज़ाइन किया गया है ग्रिल के लिए। और दोस्तों आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कि हुंडई ने क्रेटा SUV की
5 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है, तो उसकी ही आप कह सकते हैं नेक्स्ट ये गाड़ी लॉन्च की जाने वाली है, नेक्स्ट जनरेशन मॉडल्स इसका लॉन्च होने वाला है। हालांकि हुंडई के पास में हुंडई वेन्यू, क्रेटा और टेक्शन और हुंडई कोना जैसी एडवांस गाड़ियां हैं, तो अब हुंडई अपने लाइनअप को और भी ज़्यादा यहां पर अपग्रेड करने वाला है इस न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन को लॉन्च करने के बाद में। तो फ्रेंड्स, आपको ये गाड़ी फीचर्स वाइज और इसके अलावा लुक वाइज कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। क्या ये वेन्यू से ज़्यादा हिट हो सकती है? अगर इसका प्राइस होने वाला है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरह, तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर आप ये गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अगर आपकी कोई भी ऑटोमोबाइल क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर उसका सलूशन ले सकते हैं। और हम मिलते हैं डेली इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें फ्री में सब्सक्राइब बटन को दबाकर, साथ ही बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं। क्योंकि दोस्तों, जो हमने गूगल एनालिस्ट में चेक किया है, वहां पर हमने देखा है कि बहुत से लोग बेल के आइकॉन को नहीं प्रेस करते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आती है आप उससे अपडेट नहीं रह पाते हैं। तो बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशंस मिलें जो भी ऑटोमोबाइल्स में लेटेस्ट अपडेट होते हैं, लाइव इवेंट्स होते हैं, या न्यू गाड़ियां लॉन्च होती हैं, या नई नई गाड़ियों के हम लाइव रिव्यू आपके लिए डेली लेकर आते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए आपको बेल का आइकॉन जरूर दबाना है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और सड़क पे रखिए हमेशा सेफ्टी का ध्यान, क्योंकि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट एंड स्पीड इज़ द सेकंड। नमस्कार दोस्तों।